स्वागत है मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं DLED जो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार की अगर बात किया जाए तो SCERT यानी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चलाया जाता है, और राज्य सरकार के जितने भी संस्थान हैं जो प्रशिक्षण के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ साथ वे सारे संस्थान जो राज्य सरकार के हैं, उन राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में जहां पर DLED का कोर्स चलाया जाता है वहां पर ये कोर्स लागू किया जाता है, और साथ साथ इसके लिए पाठ्यचर्या जिसे करिकुलम कहते हैं, करिकुलम का निर्धारण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना के द्वारा संचालित किया जाता है, और साथ साथ उसे पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। तो मित्रों, 2018 और 20 के सत्र के जो नामांकित छात्र हैं उनके लिए इस वर्ष से पाठ्यक्रम का बदलाव हो गया है, और उसी के संदर्भ में आगे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से बदलाव है जो इस वर्ष से लागू है। मित्रों, अगर पेपर की बात किया जाए तो पेपर 12 है प्रथम वर्ष में, और साथ साथ द्वितीय वर्ष के पेपर 9 है। उसके अलावा विद्यालय अनुभव कार्यक्रम है जो प्रथम वर्ष में भी है और द्वितीय वर्ष में भी है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करें, और पहले प्रथम वर्ष की चर्चा करके कौन कौन से विषय हैं। मित्रों, इस श्रृंखला में या हम कह सकते हैं कि DLED पाठ्यचर्या के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके श्रृंखला के क्रम में यह पहला है, और इसमें अगर पत्रों की बारीकी बात की जाए जो हमारे पत्र इसमें हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ष के जो पत्र हैं, क्योंकि हमारा ये वीडियो क्लिप प्रथम वर्ष पर ही आधारित है, द्वितीय वर्ष की चर्चा अगले वीडियो में करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मित्रों, प्रथम वर्ष के जितने भी पत्र हैं उसको F1 कोड दिया जाता है, और एक कोड का मतलब कि फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में भी पत्रों के कोड 1 से 9 तक है, जैसे F1, F2, F3, F9 सोन। तो मित्रों, ये F1 से F12 तक है। प्रथम वर्ष की बात की जाए तो 12 प्रश्न पत्र है, और उसके अलावा ACP1 जिसे हम स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहते हैं। मित्रों, एक एक करके पहले हम लोग देख लें कि ये इन पत्रों के क्या नाम है या इनके शीर्षक क्या है। F1 समाज शिक्षा पाठ्यचर्या की समझ, F2 में बचपन और बाल विकास, F3 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, F4 में है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, F5 में है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, और F6 में है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी शिक्षा, F7 में है गणित का शिक्षण शास्त्र 1, और ये शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के लिए है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राथमिक स्तर F7 में है क्या। F8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र 1, ये भी प्राथमिक स्तर का है। F10 पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, F11 कला समेकित शिक्षा, F12 शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, और मित्रों अंतिम पत्र विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1, या इसे SEP1 भी कहते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1, जो 4 सप्ताह के होंगे। तो मित्रों, अगर इसके रूपरेखा की बात की जाए तो F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर F12 तक 12 प्रश्न पत्र है, या हम कह सकते हैं कि उसके पाठ्यचर्या के ये पत्र हैं।
या कोर्स है, और उसके अलावा एक हमारा जो 13वां है वो ACP है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे कि इनके अंक कितने हैं, और फिर अलग अलग वीडियो में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। धन्यवाद मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रथम वर्ष के पत्र हैं वे पत्र इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको समझने में सुविधा मिलेगी, और साथ साथ आप इससे लाभान्वित भी होंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।